ये स्कूल, प्री स्कूल और क्लासेस में यूज होता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि स्टूडेंट मास्टर में न्यू स्टूडेंट कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स में जाएं, फिर ऐड एडिट डेटा में जाएं। आप यहाँ स्टूडेंट का सभी डेटा ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमने ऑलरेडी फिलअप किया हुआ डेटा लिया है। जिस बॉक्स के आगे स्टार की निशानी है वह डेटा एंटर करना कंपलसरी है। तो क्लास में क्लास सिलेक्ट करें, डिवीज़न में स्टूडेंट का डिवीज़न एंटर करें, शिफ्ट में स्टूडेंट की शिफ्ट सिलेक्ट करें, ब्लड ग्रुप में स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप एंटर करें, जीआर में स्टूडेंट का जीआर नंबर एंटर करें, रोल नंबर में स्टूडेंट का रोल नंबर ऐड करें, फिर स्टूडेंट जिस कोटा का हो वह कोटा सिलेक्ट करें, हाइट में स्टूडेंट की हाइट एंटर करें, वेट में स्टूडेंट का वेट एंटर करें, फिर स्टेटस में आप स्टूडेंट का स्टेटस चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप एक्टिव, क्लोज, डिटेन, पास आउट वगैरह स्टेटस चेंज कर सकते हैं। एडमिशन में एडमिशन डेट और लीविंग में लीविंग डेट एंटर करें। यहाँ आप डेट ऑफ बर्थ एंटर कर सकते हैं, यहाँ आप बर्थ प्लेस एंटर कर सकते हैं और जेंडर में जेंडर सिलेक्ट करें। यूआईडी में यूआईडी नंबर एंटर करें, नेम में स्टूडेंट का नेम एंटर करें, एड्रेस में स्टूडेंट का एड्रेस एंटर करें, फादर और मदर में स्टूडेंट के फादर और मदर का नाम एंटर करें। यहाँ आप चार नंबर एंटर कर सकते हैं, लैंडलाइन में लैंडलाइन नंबर और उसके अलावा तीन मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं। ईमेल में स्टूडेंट का मेल आईडी एंटर करें, लास्ट स्कूल जो स्टूडेंट की हो वह लास्ट स्कूल में एंटर करें, एडमिशन स्टैंडर्ड में लास्ट स्टैंडर्ड, फिर करंट स्टैंडर्ड एंटर करें, कास्ट में स्टूडेंट की कास्ट एंटर करें, कैटेगरी में स्टूडेंट की कास्ट कैटेगरी एंटर करें, बीपीएल में बीपीएल नंबर एंटर करें, फिर आधार नंबर एंटर करें, राशन नंबर, वोटर आईडी, बैंक डिटेल्स, ब्रांच वगैरह डिटेल्स आप यहां एंटर कर सकते हैं। यहां से आप स्टूडेंट का फोटो चूज कर सकते हैं। सिस्टम बाय डिफॉल्ट फोटो साइज ले लेगी, फिर सेव करें। अब हम यहाँ देखेंगे कि स्टूडेंट डिटेल्स कैसे एडिट करते हैं। तो सबसे पहले कोई स्टूडेंट सिलेक्ट करें, फिर एडिट पर क्लिक करें। आप यहाँ स्टूडेंट की कोई भी डिटेल्स एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ स्टूडेंट की शिफ्ट चेंज करते हैं, फिर इस डिटेल को सेव करें। अगर कोई स्टूडेंट स्कूल नहीं आता हो और आप उस स्टूडेंट का स्टेटस चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। पहले स्टूडेंट सिलेक्ट करें, फिर एडिट पर क्लिक करें। स्टेटस में से आप स्टूडेंट का स्टेटस चेंज कर सकते हैं, फिर इस डिटेल को सेव करें। फिर स्टेटस में एक्टिव रखें और सर्च करें। आपको यहाँ एक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट मिलेगी। अगर आपको क्लोज लिस्ट चाहिए तो स्टेटस में क्लोज करें, फिर सर्च करें। आपको यहाँ क्लोज स्टूडेंट की लिस्ट मिलेगी। अगर आपको कोई चेंजेस करने हो तो उसी तरह से आप कर सकते हैं। हम यहाँ मल्टीपल सर्च भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्लास में क्लास सिलेक्ट करें, जेंडर में जेंडर सिलेक्ट करें, फिर सर्च करें। आपको यहाँ लिस्ट मिलेगी। हम यहाँ देखेंगे कि रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्ट में जाएं। आपको यहाँ 7 अलग अलग रिपोर्ट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ थर्ड वन रिपोर्ट देखेंगे। यहाँ आप स्टूडेंट नंबर, फादर और मदर नंबर भी ऐड कर सकते हैं और स्टूडेंट की बर्थ डेट भी ऐड कर सकते हैं। फिर आप यहाँ आईडी कार्ड बना सकते हैं, मेंबर रिपोर्ट भी बना सकते हैं और डिवीज़न और क्लास वाइज चार्ट भी देख सकते हैं। इसे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको स्टूडेंट का डेटा एक्सेल में चाहिए तो आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट स्टूडेंट मास्टर। थैंक यू।